देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 37,000 पार कर चुकी है। कोरोना केस का कुल आंकड़ा 37,336 हो चुका है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 1,218 लोगों की मौत हुई है। 9,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। देश भर में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 37,000 के पार देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 1,218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस को उन्होंने मात दी है। लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तमाम कोशिशें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं। 9,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश के महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की सबसे ज्यादा मार और लगातार ये ग्राफ देश भर में बढ़ता जा रहा है। 37,000 के पार कोरोना से संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है और साथ ही 1,218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 9,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। संक्रमितों की संख्या देश भर में 37,000 को पार कर चुकी है। 1,218 लोग अपनी जान कोरोना वायरस के चलते गंवा चुके हैं। 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का दूसरा फेज यानी कि 2.0 3 मई को खत्म होगा और उसके बाद तीसरा फेज 4 मई से 17 मई तक रहने वाला है। 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करना। जिस प्रकार से लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 1,218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। 37,000 के पार कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रहा है। राहत यह कि 9,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ देश भर में बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन होगा यानी 4 मई से 17 मई तक जो लॉकडाउन होगा, वहां कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिलेगी। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। लगातार जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सभी व्यापार ठप पड़े हैं। जिस प्रकार से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर शुरुआत ऐसी की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत, देखिए जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जरूरत होती जा रही है सजग होने की। और 3 मई को लॉकडाउन का जो दूसरा फेज है वो खत्म हो रहा है, साथ ही 4 मई से 17 मई के बीच का जो लॉकडाउन का फेज होगा, तीसरा फेज यानी कि 3.0 जो रहेगा, उसको लेकर तमाम रणनीति बनाई गई है। देश भर को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल मनीषा, नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें देश भर में 739 जिले जो हैं उनमें से 700 करीबन 307 ऐसे जिले हैं जो अछूते हैं और बाकी के जो जिले हैं उसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों में बांटा गया है। तो ये जहां पर रेड जोन है,
वहाँ पर किसी भी तरीके की ई कॉमर्शियल कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई भी जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे टैक्सी भी चलेंगी और ये कहा जाए कि जो खरीदारी का सामान है, जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें खरीदा जा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिले में 10 से ज्यादा पेशेंट्स हैं उसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन है, दिल्ली पूरी तरीके से रेड जोन में है, 11 जिले हैं और 11 के 11 रेड जोन बने हुए हैं। नए अलर्ट्स लगातार गृह मंत्रालय की ओर से आ रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि क्या क्या छूट दी जा रही है और किस किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करना है, जो अब तीसरी बार लगाया गया है, जो कि 17 मई तक नया जो थर्ड टाइम लॉकडाउन लगाया गया है देश भर में। जी प्रीत, देखिए अर्थव्यवस्था हर राज्य की डावाडोल हो गई है क्योंकि व्यापार सारे ठप हैं और ऐसे में जब औद्योगिक क्षेत्रों में थोड़ी छूट दी गई है तो उस दौरान ये देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से कंट्रोल कोरोना को वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, सभी राज्यों में अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्रियों की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि जो कि छोटे जो उद्योग है उनको फिर से शुरू किया जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन कामों को किया जा सकता है जो जरूरी है। जहाँ पे मजदूर जो कि काफी प्रभावित हो रहे हैं वहां पर उन कामों को जरूर शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल काफी लोग डरे हुए हैं। वही खुद से जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तमाम जो दुकानदार हैं वो नहीं खोलना चाह रहे अपनी दुकानें, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जरूर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि आर्थिक एक बार फिर से आर्थिक तौर से जिस तरीके से देश पीछे चला गया, कई महीने पीछे चला गया, उसको वापस पटरी पर लाया जाए, काम दोबारा शुरू किए जाए, जो जरूरी के उद्योग है उनको शुरू किया जाए ताकि कम से कम जो आर्थिक तौर पर देश पीछे जा रहा है उसको कहीं ना कहीं फिर से एक बार पटरी पर लाया जा सके। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें जिस प्रकार से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तमाम कोशिशें तमाम प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा